हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बाद में। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे पूरे यूट्यूब पर ग्रे स्केल से रिलेटेड ही वीडियोस आ रही हैं और लोगों को डराया जा रहा है, एक तरीके से डर का माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे ही ग्रे स्केल बिटकॉइन को वहां से रिलीज करेगा, जो भी बिटकॉइन होल्ड किए हुए हैं तो उनका कुछ अनलॉकिंग का सिस्टम है, तो जैसे ही वो अनलॉक होंगे एक ऐसा डर बनाया जा रहा है कि मार्केट एकदम से डंप होगी। तो आज उसी विषय में बात करेंगे, थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में भी बात करेंगे और ग्रे स्केल के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ग्रे स्केल काम करता है और क्या इसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ सकता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी हमारी वीडियोज हैं, जो भी अपडेट्स हैं, आपको इंस्टेंट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चल लेते हैं पहले grayscale.com पर। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ग्रे स्केल है क्या। देखिए, ये है grayscale.com। आप लोग जाएंगे वेबसाइट पर, बिल्कुल ईजी है। थोड़ा सा आप इस पे रिसर्च कीजिए, आप लोगों को सब पता चल जाएगा क्या सिस्टम है और मार्केट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ये है एक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और कौन कौन से कॉइन या कौन कौन से टोकन आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, पहले तो है बेसिक अटेंशन टोकन यानी कि बैट, बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, चेन लिंक, डिसेंटरलैंड यानी कि माना, इथेरियम, इथेरियम क्लासिक, फाइल कॉइन, होरिजोन, लाइट कॉइन, लाइव पेपर और स्टेलर, स्टेलर यानी कि XLM। तो ये सब आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। कोई नॉर्मल आदमी, हम जैसे लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट कैप है वो मिनिमम 25,000 US डॉलर की है, कि आपके पास मिनिमम 25,000 US डॉलर होने चाहिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 25,000 US डॉलर, तभी जाके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लॉक अनलॉक का पीरियड फिक्स होते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो भी कॉइन आप बाय कर रहे हैं, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक पीरियड के लिए लॉक हो जाएगा और वो अपने हिसाब से ही उसको अनलॉक करते हैं। तो अभी जो अनलॉकिंग होने वाली है वो बिटकॉइन की होने वाली है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि काफी बड़ी अमाउंट में यहाँ से बिटकॉइन अनलॉक होने वाले हैं, तो सभी लोग यही बता रहे हैं कि मार्केट पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट डंप हो जाएगी, जो भी बिटकॉइन अनलॉक होंगे वो लोग अपने बिटकॉइंस को सेल कर देंगे। तो आप ही सोचिए, आप लोगों को लगता है कि वो लोग बिटकॉइन को सेल कर देंगे इतने कम प्राइस पर, जबकि बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 60,000 के आसपास है। तो आप लोगों को अगर लगता है, अगर आपका बिटकॉइन होता यहाँ पर और जो 60,000 ऑल टाइम हाई टच करके आया हो और अभी वो 30,000 पर हो, तो क्या आप लोग सेल करेंगे? अगर करेंगे तो कमेंट में बताना, नहीं करेंगे तो भी कमेंट में बताना। मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि अगर आपका ये बिटकॉइन होता जो 60,000 से अभी आया हुआ है 30,000 पर, तो क्या आप लोग सेल करते? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अभी ये कुछ ही समय का बेयर मार्केट है, उसके बाद बिटकॉइन 1 लाख को भी क्रॉस करेगा और ये बात सबको पता है। और जिन लोगों ने ग्रे स्केल पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो है वेल्स, और वेल्स को ये चीजें बिल्कुल क्लियरली पता है कि बिटकॉइन का प्राइस क्या जाने वाला है, तो वो लोग इस प्राइस पर इसको सेल बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि वो लोग अनलॉक होते इसको सेल करेंगे, जहां तक मेरा मानना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोग इस चीज से बेफिक्र रहें, क्योंकि मैंने देखा कि यूट्यूब पर एक बहुत ही बुरे तरीके से कोई भी यूट्यूबर आता है, बोल देता है कि बिटकॉइन क्रैश होने वाला है, बिटकॉइन का प्राइस जीरो होने वाला है। तो ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि बिटकॉइन एकदम से क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिटकॉइन बिटकॉइन है और बिटकॉइन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा कॉइन है, एक ऐसा सिस्टम है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि इसकी डिमांड इतनी बढ़ती चली जाएगी, इतनी बढ़ती चली जाएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि बिटकॉइन की ही दुनिया होगी। जिस तरीके से बिटकॉइन डिजाइन किया गया है वो इस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया कि ये समाप्त हो जाए या ये जीरो हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप देख लेना, कुछ ही समय बाद जैसे ही बेयर मार्केट खत्म होगी बिटकॉइन 1 लाख क्रॉस करेगा। तो दोस्तों, सिंपल सी बात कहने की यही है कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि बिटकॉइन खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास बिटकॉइन की कुछ क्वांटिटी है तो आप उसको होल्ड रखें, अभी वो कहां तक जाएगा, क्या क्या हो सकता है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो चल लेते हैं बिटकॉइन के चार्ट पर। ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट लिया हुआ है, ये होबी ग्लोबल का लिया हुआ है क्योंकि मैंने सारी मार्किंग्स वगैरह यहीं पे की हुई है। तो ये देखिए, वन डे का चार्ट है BTC का। यहाँ पे आप ये जो येलो जोन देख रहे होंगे, ये इसका एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का मैंने जोन बनाया हुआ है, और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि इस चैनल में बिटकॉइन चल रहा है और इससे ऊपर अगर जाएगा तो वो एक फेक ब्रेकआउट होगा और वो फिर वापस वहीं जाएगा। अभी ये देखिए, एक फेक ब्रेकआउट हुआ तो ये वापस अभी उसी जोन में चल रहा है। अभी इसमें क्या हो सकता है जब बिटकॉइन अनलॉक होगा ग्रे स्केल पर? तो देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ।
अभी जो प्राइस पिछले कुछ दिनों से चल रहा है वो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ग्रीन लाइन देख रहे होंगे, और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस लाइन होगी और ये होगी सपोर्ट लाइन। अब बात आती है कि बिटकॉइन अनलॉक होगा ग्रे स्केल पर तो क्या होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नीचे वाली सपोर्ट पे सपोर्ट ले लेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। एकदम से ये वाली जो येलो आप जोन देख रहे हो, एकदम से ये ब्रेक नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ब्रेक होगा भी तो थोड़ा समय लगेगा, डाउन आएगा, रिटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, फिर डाउन आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। एकदम से ब्रेक नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ऊपर से एक लाइन आई और बिल्कुल सीधे 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 क्रॉस करती हुई चली गई और नीचे जाके मिल गई 25,000 पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। होगा वही जो टेक्निकल चीजें हैं, बिल्कुल उसी तरह से होगा। सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, बाउंस बैक होगा, थोड़ा बहुत अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे करके धीरे 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 धीरे, और जो जाएगा 22,000-20,000 तक जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। 20,000 तक भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 2017 का, वो लगभग 19,000 और 20,000 के बीच में है, तो वहां तक भी अगर गया तो इसलिए जाएगा। नहीं तो जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मेरा मानना है कि ये 25,000 के आसपास ही रहेगा और उससे ऊपर फिर ये वापस चला जाएगा, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही जबरदस्त बाइंग जोन बना हुआ है, लोग वेट कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने बाइंग ऑर्डर लगा रखे हैं अपने पहले से ही 25,000 के आसपास। तो मैं यही कहता हूँ आप लोगों के, आप लोग भी अभी से बाइंग करना स्टार्ट कीजिए, जैसे जैसे 1-1,000 डाउन हो रहा है तो आप लोग अपनी बाइंग वगैरह स्टार्ट करनी शुरू कर दीजिए। अभी मैं बताता था कि 25-25 के 4 सेक्शन में कीजिए, लेकिन अभी जो इसका सिस्टम चल रहा है तो आप 10-10% करके भी इसको बाय कर सकते हैं। जैसे ही 500 नीचे आता है 10% कीजिए, और 500 नीचे आता है 10% कीजिए, इस तरह से आप अपनी बाइंग को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था 1 डे का चार्ट, अभी हम ले लेते हैं 4 आवर्स का चार्ट बिटकॉइन का, वहां भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। ये देखिए लगभग 4 आवर्स का चार्ट जो है वो भी बिल्कुल 1 डे की तरह ही चल रहा है, नीचे सपोर्ट है और अभी इस रेंज में चल रहा है। और आप अगर देखोगे तो ये एक मैंने चैनल बनाया हुआ है और इसी चैनल में बिटकॉइन ऊपर नीचे होते हुए डाउन की तरफ जा रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है। अभी क्या होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे इसका प्राइस बढ़ने लगता है कि भैया अब ये निकल पड़ा, अब ये जाएगा, अब ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन अभी क्या होता है कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है तो ऊपर रेजिस्टेंस मिलता है, एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस मिलके वापस आता है, नीचे आता है तो सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट मिलके ऊपर जाता है, तो यही अभी चलता रहेगा। ब्रेकआउट जब होगा आप लोगों को पता चल जाएगा कब होगा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट अगर होगा तो 40,000 के बाद होगा, 40,000 41,000 तक जैसे ही बिटकॉइन पहुंचेगा तो वहां से ब्रेकआउट की संभावनाएं बनेंगी, वो भी वहां से भी वापस आ सकता है, क्योंकि ऊपर के रेजिस्टेंस को टेस्ट करके भी नीचे आ सकता है, एकदम से नहीं ब्रेकआउट होगा, उसमें भी समय लगेगा। तो आप लोग केवल और केवल अभी वेट करें, एक अच्छी बाइंग जोन बन रही है और बहुत अच्छे अच्छे मौके आ रहे हैं हमें इन्वेस्टमेंट करने के। तो आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल ये निकाल दे कि बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, जीरो होगा या नहीं होगा, वो सब चीजें आप दिमाग से निकाल दीजिए। बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है, क्योंकि अभी तक तो पब्लिकली बिटकॉइन फेमस था, पब्लिक इसको खरीदने में लगी हुई थी, लेकिन अभी कंट्रीज इसके पीछे लग गई हैं कि बिटकॉइन हमारे पास आए, कितना बिटकॉइन किस कंट्री के पास है, आगे ये वाला प्रचलन रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा बिटकॉइन का ही राज आने वाला है, आप लोग देखते जाए, समय बदलता जाएगा, क्योंकि 2009 में जब बिटकॉइन आया था तो बहुत से लोग इसको वेस्ट ऑफ मनी समझ रहे थे, और आपने सुना होगा कि किसी बंदे ने 10,000 BTC में 2 पिज्जा खरीदे थे, तो उसने यही सोच के खरीदे थे कि ये भैया ये कुछ नहीं है और इसका कुछ नहीं होने वाला, मैं इसके पिज्जा खा लेता हूँ। और आज वही बिटकॉइन 60,000 US डॉलर को टच करके अभी 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 50% डाउन है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है बिटकॉइन के लिए। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि 50% और 60-70% तक बिटकॉइन डाउन गया है, लेकिन उसके बाद जो इसने ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया है उसको भी आप नोटिस कीजिए, ऊपर की तरफ भी बहुत तेजी से चला है। तो केवल डाउन ट्रेंड मत देखें, इसका अप ट्रेंड भी आप देखें, चार्ट पे एनालिसिस करें कि अप ट्रेंड भी कितना रहा है, कितनी तेजी से ये ऊपर की तरफ बढ़ा है, क्योंकि मार्केट का रूल ही यही होता है कि कुछ प्रॉफिट वो खुद लेते हैं, कुछ प्रॉफिट वो हम लोगों को देते हैं। तो अभी उन लोगों के प्रॉफिट लेने की बारी आई हुई है, तो आप लोग अपनी बारी का अभी वेट करना है आप लोगों को, तो थोड़ा सब्र रखिए और दिमाग को शांत रखिए और सावधानी से ट्रेडिंग कीजिए। यही कहूंगा कि बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद आपको ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।